कोने में, ये पाकिस्तान है। पतिदेव मैगी बनाएंगे क्योंकि मैगी तो मैं नहीं बनाती हूँ, यही बनाते हैं। मीनवाइल मैं मस्ती कर रही हूँ और ये मैगी बना रहे हैं। 3, 2, 1। आज भी हमने गर्भगृह में दर्शन किए हैं, जलाभिषेक किया है, महादेव से जो मांगा था महादेव वो दे रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू तपस लाइफ। सो रन ऑफ कच्छ में ये हमारा लास्ट डे है और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। टेंट सिटी से जाने का मन तो नहीं कर रहा था मेरा, बट क्या करें, आगे तो जाना ही है। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द टेंट सिटी एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ आज, क्योंकि हमें यहाँ से कोटेश्वर महादेव के मंदिर जाना है। सो बिल्कुल अपने देसी अवतार में। टेंट सिटी से कोटेश्वर महादेव दैट इज नारायण सरोवर का डिस्टेंस जो है दैट इज 119 किलोमीटर। कोटेश्वर महादेव का मंदिर नारायण सरोवर से 4 किलोमीटर दूर है। इस रोड पे कुछ नहीं है, नेटवर्क नहीं है, और दूसरी बात इतना हमने अभी तक भ्रमण कर लिया है एक्चुअली, आज थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न हो रहा है क्योंकि कोई भी नहीं है आसपास, कोई भी नहीं, कुत्ते भी नहीं है, सच में कुत्ते भी नहीं है यहाँ। बट बस रोड अच्छे हैं ये वाले, इससे पहले रोड अच्छे नहीं थे। हम नारायण सरोवर पहुँच गए, तो जैसे मैंने आपको बताया था करीबन 4 किलोमीटर आगे कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 3.7 किलोमीटर है और हमें 7 मिनट लगेंगे मंदिर पहुँचने में। कोटि शब्द का एक ही अर्थ होता है, दैट इज सहस्त्र, 1000। यहाँ 1000 शिवलिंग थे इसीलिए स्थल का नाम कोटेश्वर पड़ा। हम मंदिर पहुँच गए हैं तो कुछ ही देर में आपको महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे। तो मैं कुछ इसके इतिहास के बारे में बता दूँ। कोटेश्वर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक प्राचीन बंदरगाह दैट इज पोर्ट एवं सुप्रसिद्ध यात्रा धाम है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुजरात की कच्छ से जुड़ने वाली भारतीय सीमा का ये अंतिम स्थान है, जो कि आप इस मैप में देख सकते हैं। यहाँ से समुद्र में पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान की सीमा का प्रारंभ हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का कनेक्शन रावण के साथ है? जी हाँ, आपने सही सुना है। तो उसके लिए आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी सुननी होगी। कोटेश्वर की कथा रावण के साथ ही शुरू होती है। प्राचीन काल में रावण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना आत्मलिंग रावण को दिया। रावण इसे अपनी राजधानी लंका में स्थापित करना चाहता था। बीच रास्ते में रावण ने लिंग को जमीन पर छोड़ दिया और 1000 एक जैसे लिंग बन गए। रावण भ्रमित होकर आत्मलिंग को लंका ना ले जा सका और शिवजी यहाँ स्थित हो गए। कथा के अनुसार कोटेश्वर मंदिर में आत्मलिंग स्थापित है जो खुद भगवान शिव ने दिया था। जैसे मैंने आपको अभी बताया, यहाँ अनेकों शिवलिंग थे जिसमें से कुछ समय के साथ नष्ट हो गए और कुछ शिवलिंग आपको मंदिर के प्रांगण में दिखेंगे अभी इसी व्लॉग में। समुद्र के किनारे में भी कई सारे टूटे हुए शिवलिंग दिखाई दिए गए हैं। रामायण और शिवपुराण में भी इस स्थल का उल्लेख मिलता है। काफ़ी सारे मंदिरों में रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी नहीं कर सकते, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया ताकि आप लोग महादेव के दर्शन कर सकें। नंदी महाराज को महादेव द्वारा एक वरदान प्राप्त है, यदि आप उनके कानों में कोई भी मैसेज या कोई भी विश अगर आप बोलते हैं तो वो डायरेक्ट महादेव तक पहुँचता है। इसीलिए जितने भी भक्त मंदिर में जाते हैं तो नंदी के कान में कुछ ना कुछ अपना मैसेज या विश कहते हैं। हाय महादेव। सो गाइस, आ गई हूँ मैं आज कोटेश्वर महादेव के मंदिर। नारायण सरोवर के बिल्कुल ठीक किनारे ये मंदिर है जो कि तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और हम पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना है। ये जो दिख रहा है सामने कोने में, ये पाकिस्तान है। रात को वहाँ पे दिखता है पाकिस्तान की ज़मीन और पाकिस्तान की ज़मीन की लाइट। ये मतलब यहाँ से आपको इस रात को आएंगे तो लाइट भी पाकिस्तान दिखाई देगा। तो कुछ लोग कहते हैं कराची की लाइट मिलेगी।
ओके दर्शन हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे हुए हैं। हम काफी टाइम तक मंदिर के अंदर ही बैठे हुए थे और यहाँ पे इतना सुकून है कि मैं अभी 10 मिनट अंदर बैठा था महादेव के पास में और वहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा था। फिर जब सोचा देखा बाहर तो बाहर भी का नज़ारा भी उतना ही सुंदर है। तीनों तरफ तो इनफैक्ट एक तरफ तो महादेव है और बाकी तीनों तरफ सिर्फ पानी है। अगर मौका मिले कभी भी तो यहाँ ज़रूर आए एक बार। बहुत ही सुंदर मंदिर है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी महादेव के मंदिर हैं हम साथ में दर्शन करें। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कोई महादेव का मंदिर जो हमें विज़िट करना चाहिए, हम श्योरली विज़िट करेंगे। सो गाइस, ये मंदिर का साइड वाला हिस्सा है जो कि थर्ड साइड, और ये भी पूरा पानी से घिरा हुआ है। हम उस पॉइंट तक जा सकते हैं ना, चलते हैं ना। गाड़ी जाएगी, पैदल जाना होगा। दिखने से तो पास लग रहा है लेकिन काफ़ी दूर है। हर जगह महादेव ही महादेव, हर हर महादेव। इसी प्रांगण में माता रानी का भी मंदिर है, हिंगलाज माता रानी का मंदिर है। कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम गए आशापुरा माता के दर्शन करने के लिए, जो कि वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। गाइस, हम जा रहे हैं यहाँ के फेमस मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर है। हाँ, इसको माता नो मड भी बोलते हैं। माता नो मड भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के लखपत तालुका में स्थित एक गाँव है। ग्राम का नाम आशापुरा माता के भव्य मंदिर पर पड़ा है। आशापुरा देवी माँ को अन्नपूर्णा देवी का अवतार माना जाता है। आशापुरा देवी माँ के प्रति श्रद्धालुओं की इतनी गहरी आस्था है, ऐसी मान्यता है कि माता से आप जो भी मन्नत मांगो वो ज़रूर पूरी होती है। गुजरात में कई अन्य समुदाय भी आशापुरा देवी को अपनी कुलदेवी के तौर पर पूजते हैं। मंदिर में आशापुरा माता की छवि एक लाल रंग से रंगे हुए पत्थर की है जो आधार पर लगभग 6 फीट ऊँची और 6 फीट चौड़ी है। आफ्टर 4 आवर्स इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, आ रही थी क्या, इनफैक्ट आ रही है। तो अभी एक चाय लिया है बस। हम बुध से थोड़ा सा आगे निकले हैं। आज हमारा जो नाइट हॉल्ट होगा दैट्स इन मोरबी, और कल मोरबी से द्वारकाधीश के निकलेंगे। तो चाय पियो और जाग जाओ। सो गाइस, आज का दिन था बहुत ज़्यादा टायरिंग, तो आज हम यहीं पर स्टे करेंगे मोरबी में, और आज रिलैक्स करेंगे और कल सुबह निकलेंगे हम द्वारकाधीश के लिए। मेरी शक्ल से आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा। नेक्स्ट डे हम मोरबी से द्वारका के लिए निकले, जिसका डिस्टेंस है 4 आवर्स 27 मिनट्स। यहाँ से द्वारका 96 किलोमीटर रह गया है। सो रोड्स आर सुपर सेक्सी इन गुजरात एंड स्पेशली ये जो द्वारका वाला स्ट्रेच है, द्वारकाधीश जो हम जा रहे हैं, द्वारकाधीश से सोमनाथ जाएंगे, पोरबंदर जाएंगे, ये स्ट्रेच बहुत ही सुंदर है। इनफैक्ट जामनगर से जो स्ट्रेच शुरू होता है और ये स्ट्रेच द्वारका राइट में आगे जाके ये स्ट्रेच बहुत खूबसूरत है। मतलब एक बार तो यहाँ पे ड्राइव करना ही चाहिए। एक तरफ समुंदर और एक तरफ खाली मैदान हो, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। और वैसे हम लोग द्वारका पहुँचने वाले हैं, 20 किलोमीटर बचे हैं हार्डली, क्योंकि गाड़ी स्लो चला रहे हैं तो 15-20 मिनट पहुँच जाएंगे द्वारकाधीश। मंदिर का टाइम 5:30 से होता है, तो हम लोग पहले होटल जाएंगे, चेक इन करेंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे और फिर जाएंगे द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। आज तो बस यही करने वाले हैं, फिर लोकल घूमेंगे, कल सुबह जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और भेड़ द्वारका। आज हमारा मन कर गया मैगी खाने का, तो मैं आ गई हूँ सब्जी मंडी थोड़ी बहुत सब्ज़ी खरीदने। मटर लिया था मैंने और बैठ के मटर छील रही हूँ, और हमें एक बहुत अच्छा सा जगह मिला जहाँ हम बैठ के मैगी बना रहे हैं। तो हमने गाड़ी लगाई है यहाँ पे साइड में और हमने अपना पूरा किचन सेटअप कर लिया है, और बस अब पतिदेव मैगी बनाएंगे, क्योंकि मैगी तो मैं नहीं बनाती हूँ, यही बनाते हैं। मीनवाइल मैं मस्ती कर रही हूँ और
ये मैगी बना रहे हैं। एंड इट्स डन, मैगी है रेडी और अब हम मैगी खाने वाले हैं। फाइनली हम द्वारका पहुंच गए और जैसे हम हाईवे से एंटर करके अंदर जा रहे थे शहर की ओर, तो हमें एक बहुत प्यारा सा होटल मिला, तो हमने वहां पे चेक इन किया और कुछ देर रेस्ट करके फिर चेंज करके हम निकले बटकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। ये भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, ये अभी आपको व्लॉग में आगे दिखेगा। लगभग 5000 वर्ष पूर्व अरब सागर में एक शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसे आज हम श्री भटकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। जून जुलाई के महीने में समुद्र स्वयं शिवलिंग का अभिषेक करता है और कुछ समय के लिए ये मंदिर समुद्र का हिस्सा बन जाता है। ये मंदिर द्वारका के बिल्कुल किनारे पर ही बना हुआ है। किनारे से पहाड़ी तक जाने के लिए एक अच्छी तरह से निर्मित रास्ता और सीधे मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियाँ होने के कारण भटकेश्वर महादेव मंदिर तक पहुँचना शायद ही कोई समस्या है। आप यहाँ आराम से आ सकते हो। और गाइस, दिस प्लेस ना कुछ तो है इस प्लेस के बारे में, मतलब इतना अच्छा ऑरा। यहाँ बैठने की जगह है जहाँ आप शाम को बैठ के सनसेट भी इंजॉय कर सकते हो। हम काफ़ी देर तक यहाँ बैठे हुए थे किनारे पे और सच मानो तो अलग ही फीलिंग था यार। यहाँ समुंदर की लहरों की आवाज़ और महादेव की मंदिर की घंटियाँ, अलग ही वाइब है गाइस। ये अगर आप द्वारका जाओ तो इस मंदिर को अपने लिस्ट में ज़रूर डालना एंड भटकेश्वर महादेव के दर्शन ज़रूर करना। यार कितना अच्छा लग रहा है यार, इतना सुकून लग रहा है। बस हम मंदिर के पीछे बैठे हुए हैं। इसके बाद हम गए द्वारकाधीश के दर्शन करने और गाइस ये हमारा फर्स्ट धाम है। जैसे आप सबको पता है कि हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पे निकले हुए हैं, तो हमने आज अपना पहला धाम कर लिया। यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, इस वजह से यहाँ की एक भी पिक्चर्स नहीं। अगली सुबह हम निकले अपने तीसरे ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। 2 ज्योतिर्लिंग हमने MP में कर लिया और आज हम बढ़ रहे हैं अपने तीसरे ज्योतिर्लिंग की ओर। श्री नागेश्वर महादेव। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हम बहुत ही आराम से अंदर पहुंच गए और हमने यहाँ जाके पहले भगवान के लिए प्रसाद लिया। यहाँ नाग और नागिन चढ़ाने का रिवाज है, तो ये आपको ख़रीदना होता है, यहीं पे मिल जाएगा आपको मंदिर के परिसर में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर आप अपने हाथों से जलाभिषेक कर सकते हैं और पूजा अर्चना भी कर सकते हैं पंडित जी के द्वारा। तो आपको 250 की यहाँ पे पर्ची कटवानी होती है और फिर पूजा सामग्री लेके आपको अंदर गर्भगृह में आपको ले जाया जाता है एंड वहाँ जाकर आप अपने हाथों से पूजा कर सकते हैं। एंड एज यूजल ये फिर से लगे हुए हैं नंदी महाराज तक मैसेज पहुँचाने में कि हर जन्म में इनको प्रियंका ही चाहिए। हर हर महादेव माय यूट्यूब फैमिली। सो फाइनली आज हमने 3rd ज्योतिर्लिंग दैट इज नागेश्वर महादेव आज कर लिया है और ये ठीक हमारे पीछे है मंदिर का परिसर और ये है यहाँ पे शिव जी की मूर्ति। आपको कैसा लग रहा है आज? देखो हर हर महादेव, आज भी हमने गर्भगृह में दर्शन किए हैं, जलाभिषेक किया है, महादेव से जो मांगा था महादेव वो दे रहे हैं और कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, कितना परिपूर्ण महसूस कर रहे हैं हम लोग। हम घर से चावल लेके आए थे कि हर ज्योतिर्लिंग पे घर का चावल चढ़ाएंगे और यहाँ पे भी हमने अपने हाथों से बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा कृपा बनाई है कि अपने हाथों से हर ज्योतिर्लिंग पे, अभी 3 दर्शन हुए हैं, तीनों ज्योतिर्लिंग पे अपने हाथों से हमने जल अभिषेक किया है और अपने हाथों से हमने जो अक्षत का अभिषेक था, जो घर से संकल्प लेके निकले थे, कर रहे हैं। हर ईश्वर में भगवान शंकर के नाग रूप से और देवी पार्वती के नागिन रूप से पूजा होती है, इसीलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगाजल के अभिषेक के साथ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का महत्व है।
मंदिर के प्रांगण में ही शिव जी का 85 फुट स्टैचू है, तो हमने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स ली जो कि हमने अपने इंस्टा हैंडल पे एंड यूट्यूब पे भी लगाया है, सो हियर इज़ वन फॉर यू। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हमने एक ऑटो हायर किया जो कि हमें वहाँ के लोकल जितने भी मंदिर है वहाँ पे घुमाने वाला था। तो सबसे पहले हम गए भेट द्वारका, देन फ्रॉम देयर हम गए हनुमान जी के मंदिर एंड आशापुरा माता के मंदिर। सो गाइज, दिस इज सुदर्शन सेतु। इस ब्रिज का टोटल लेंथ है 2320 मीटर्स, दैट इज 7612 फीट, एंड ये अभी हाल ही में 25 फरवरी 2024 में इनॉग्रेट हुआ है। दिस ब्रिज कनेक्ट्स बेट द्वारका टू गल्फ ऑफ कच्छ एंड ओखा। आपने मोरपंख नोटिस किया ब्रिज पे? उसके बाद हम गए रुक्मिणी देवी टेम्पल और वहाँ पे रुक्मिणी माता का दर्शन किया, और फिर हम निकल गए यहाँ के फेमस शिवराजपुर बीच देखने। आपने कभी बीच पे ऊंट देखा है? यहाँ देख लो आप, कैमल राइड होता है यहाँ पे। आप अपना होटल का नाम बताइए। होटल कृष्णा इन। तो यहाँ से जो मंदिर है, मेन मंदिर द्वारकाधीश, उसका डिस्टेंस क्या है? यहाँ से वॉकेबल है, 10 मिनट स्ट्रेट रास्ता रहेगा ये वाला। तो ये मंदिर, ये होटल आपका हाईवे पे ही है, राइट? यस, नेशनल हाईवे पे। ओके, जैसे आप एंटर होंगे तो पहला ही अपना प्रॉपर्टी आएगा होटल कृष्णा इन। ओके, सो गाइस, मैंने भी ये ऐसे ही देखा था जब हमने एंट्री किया था, और हमें सबसे पहले यही दिखा, सो हमने कहीं और एक्सप्लोर किया ही नहीं। सबसे पहले हमें यही होटल दिखा तो हम यहीं गए, हमें इनके रूम्स अच्छे लगे, बाथरूम भी काफ़ी अच्छा था, तो हमने डिसाइड किया हम अपने 2 दिन हम यहीं स्टे करेंगे, एंड इट वाज अ नाइट स्टे, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। सो नेक्स्ट डे हम फिर से द्वारकाधीश के दर्शन किए, एंड ये पिक्चर्स आप देख सकते हो, ये हमने वहाँ के जो फोटोग्राफर से ली थी बिकॉज फोन्स आर नॉट अलाउड। सांदीपनि विद्यानिकेतन के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था तो हम गए वहाँ। इसकी स्थापना भारतीय विरासत और संस्कृति का प्रसार करने के लिए ही किया गया था, एक समृद्ध भविष्य के लिए। 1992 में अपनी स्थापना के बाद से जब सांदीपनि ने एक ऋषिकुल के रूप में संस्कृत में वैदिक शिक्षा प्रदान करना शुरू किया, तो इसकी गतिविधियों और सेवाओं का सांस्कृतिक मूल्यों की नींव के साथ आधुनिक विषयों को पढ़ाने तक काफ़ी विस्तार हुआ। सांदीपनि विद्यानिकेतन में वर्तमान में 2 खंड हैं, एक है ऋषिकुल और एक है गुरुकुल। तो ऋषिकुल संस्कृत में वैदिक शिक्षा प्रदान करता है और गुरुकुल अंग्रेजी और गुजराती माध्यम में शिक्षा प्रदान करता है। ये श्री हरि मंदिर है, यहाँ पे
कृष्ण और राधा की ये आपको मूर्ति दिख रही होगी। इसके लेफ्ट साइड में हमारे महादेव हैं कुल परिवार समेत, और राइट हैंड साइड पे लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, जैसे मुझे पता चला मैंने फ़ोन नीचे रखा। श्री हरि मंदिर के बाद हम गए जांबुवन गुफा देखने, सो इसके बारे में मैंने एक अलग सा व्लॉग लगाया है, सो गाइस आप वो ज़रूर देखें। जांबुवन केव के बाद हम निकले गिरनार रोपवे के लिए, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा द्वारका का आइटिनरी दे दूं कि आप जब द्वारका जाएं तो आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे द्वारकाधीश टेम्पल है जो कि एक परम धाम है। इसके बाद है भेंट द्वारका जहाँ पे सुदामा और कृष्ण भगवान की मुलाकात हुई थी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रुक्मिणी माता मंदिर, शिवराजपुर बीच। कैसा लग रहा है? मसूरी में छोटा वाला है हमारा, चले जाते हैं उसमें, कहे तो डंडी उंडी पकड़ लेंगे। अच्छा सुनो, खड़े होके देखो, चल पागल है, देखो देखो देखो, खड़े होके देखो। दिस व्लॉग वॉज ऑल अबाउट रन ऑफ कच्छ टू द्वारका। अभी तक हमने जो भी किया था रन ऑफ कच्छ से लेके द्वारका, मैंने आपको सब कुछ इस एक व्लॉग में दिखाया है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको गिरनार रोपवे से सोमनाथ तक की जर्नी दिखाऊंगी। हर व्लॉग के आगे मैंने नंबर्स दिए हुए हैं, आप उसी नंबर से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमने पूरा भारत जो दर्शन है वो कैसे हमने कंटिन्यूएशन में किया, कहाँ कहाँ रुके, कैसे कहाँ गए, कौन से ज्योतिर्लिंग पहले किया, ये सब कुछ आपको मेरे व्लॉग में दिखेगा। सो गाइस व्लॉग्स में बनी रहिए, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।